बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज है 11 दिसंबर 2023 की प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुरली। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान टाइटल देते हुए कहा कि तुम सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम्हें अभी महामंत्र मिलता है जीवन मुक्ति का, जो स्वयं बाप आकर देते हैं। फिर तुम बच्चों को भी यह महामंत्र सबको देना है। फिर कहा, एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान मिला, समझ मिली, निश्चय हुआ, बाप को पहचाना तो जीवन मुक्ति के अधिकारी हो गए। लेकिन ऊंच पद पाने के लिए फिर पुरुषार्थ भी करना है। और कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कमल फूल समान पवित्र रहने की। और कहा, गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो जरूर वह यहाँ आते हैं। बाबा कहे, पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। फिर सेवा के लिए कहा कि हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु यह वही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, कभी नाम रूप में नहीं फंसते, वही सेवा कर सकते हैं, रिजल्ट तो अंत में निकलेंगी। और साथ में कहा, बाकी बहुत थोड़ा समय है, तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, अखबार में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, बल सब सुने, बच्चों को सर्विस का बड़ा नशा रहना चाहिए। और लास्ट में कहा, अतीन्द्रिय सुख की भासना इन गोप गोपियों से पूछो, गोप गोपिया न सतयुग में न कलयुग में होते हैं, वह तो संगम पर होते हैं गोपी वल्लभ शिव बाबा के साथ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आज मुरली से प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएंगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। आज मुरली में गीत बजा, यह वक्त जा रहा है। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। आज बाबा ने वरदान दिया, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। कल भी बाबा ने कहा, सफलता मूर्त बनने के लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। आज बाबा ने ऐड किया कि बुद्धि जितनी क्लियर होगी उतनी परखने और निर्णय करने की शक्ति आएंगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से विश्व से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं।
ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।